हाजिर हैं हम 10 बड़ी खबरों के साथ एसडीएफ न्यूज में। मैं हूं आजाद। बिहार रेजिमेंट में कर्नल पद पर रहे संतोष बाबू गलवान घाटी में धोखे से चीनी हमले में शहीद हो गए थे। उनकी पत्नी संतोषी को 5 करोड़ की राशि तेलंगाना सरकार ने दी थी, लेकिन अब सम्मान देते हुए उनको डिप्टी कलेक्टर के पद पर प्रतिनियुक्त किया गया है। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने वर्ष 1996 और 1999 की सीएजी रिपोर्ट की याद दिलाते हुए तेजस्वी यादव को उनके पिता के कार्यकाल की याद को ताजा कर आईना दिखाया, जिसमें बिना बाढ़ के राहत बांटने के नाम पर करोड़ों की राशि के गबन मामला प्रकाश में आया था। अब तेजस्वी यादव भी चले हैं राहत बांटने। बिहार में जारी सियासी बयानों का सिलसिला जारी है। राजद की ओर से तेजस्वी यादव ने डबल इंजन की बिहार सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि यहां के लोगों को कोरोना संक्रमण का इलाज और बाढ़ राहत दोनों फ्रंट पर सरकार फेल रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी बालेश्वर सिंह भारती ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं सुशील मोदी से आग्रह किया है कि उत्तर बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत में तेजी लाया जाए। कोरोना संक्रमण से जुड़े इस वक्त की ताजा खबर पटना से आ रही है, जहां सुधा दूध का उत्पादन करने वाले कम्फेड तक कोरोना का संक्रमण फैल गया है। कम्फेड मुख्यालय में कुछ कर्मियों के संक्रमित पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया है। आनंद फानन में मुख्यालय को अगले 5 दिनों तक बंद रखने का फैसला किया गया है। पटना प्रशासन ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तथा गाइडलाइंस के तहत मास्क नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई की धरपकड़ आज भी जारी रखेगी। राज्य सरकार की ओर से विभिन्न सरकारी अस्पतालों के साथ निजी नर्सिंग होम में कोरोना संक्रमितों के लिए आज की सुविधा बहाल किए जाने के साथ ही रकम वसूली पर भी ध्यान रख रही है। बैंक से जुड़े कर्मियों के लिए खुशखबरी यह है कि उनकी सैलरी में 15% की वृद्धि की गई है। 1 नवंबर 2017 से प्रभावी इस व्यवस्था के बीच आईबीए और बैंक संघ ने सहमति जताई है। पटना एयरपोर्ट से अब 58 विमानों का परिचालन शुरू किया गया है। इसके साथ ही अब दिल्ली के लिए 12 जबकि मुंबई और बेंगलोर के लिए 44 विमान का शेड्यूल जारी किए गए हैं। राज्यसभा सांसद के रूप में बिहार के जदयू कोटे से सर्व श्री हरिवंश, रामनाथ ठाकुर, भाजपा के विवेक ठाकुर तथा राजद के प्रेमचंद गुप्ता और अमरेंद्र धारी सिंह समेत 45 नव निर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई गई। तो एसडीएफ न्यूज पर आपने देखा 10 बड़ी खबरें। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एसडीएफ न्यूज को, और साथ ही इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।